पर स्थित है, जो अमाशय में स्थित है, वो जठराग्नि है। ठीक है, और ये जो जठराग्नि ही सभी अग्नियों को जो है मुख्य, इनकी जो है वो आप कह सकते हो जैसे बॉस होता है ना, वैसे ये सबकी बॉस है। तो मेन मुख्यता यही है। और काय चिकित्सा का, अगर हम काय अक्षर को भी समझे कि काय का मतलब क्या है, तो कई कितने ही जो चरक ने भी और आगे दलहन है, ऐसे कई जो आचार्य हैं, उन्होंने काय का अर्थ लिया है अग्नि से। ठीक है ना, तो काय को अग्नि, और उस अग्नि की चिकित्सा ही काय चिकित्सा को कहा है। अब जठराग्नि से ही जितने भी रोग सारे के सारे, आप कोई भी जितने एंडोजीनस रोग का मतलब है जो निज रोग है, रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निज रोग, एक होते हैं आगंतुक रोग। ठीक है, तो निज जो होते हैं जो एंडोजीनस कॉज, जो हमारे अंदर से, आगंतुक होते हैं जो प्रहार से, जैसे कोई इंजरी बाहर से, जो कोई एक्सीडेंट हो गया तो बाहर से कोई किसी चीज ने अटैक किया, तो वो आगंतुक रोग होते हैं। उसमें भी यही होता है कि अगर पहले वो अटैक करता है तो बाद में वो आगंतुकों के कारण भी जठराग्नि को खराब कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बात फिर वहीं पे आती है कि जो जठराग्नि है वही उसके बिगड़ने का ही कारण सभी रोग हैं। तो उसको ठीक करना, उसकी चिकित्सा करना, उसको हम क्या कहते हैं, काय चिकित्सा। ठीक है, तो अब ये जठराग्नि है, तो जठराग्नि तो जो भी हम खाना खाते हैं जो भी है वो उसको, वो जठराग्नि जो है उसका वो परिपाक करती है, उसको पकाती है। ठीक है, उसको पकाने के बाद से फिर एक अपना पाचक रस जो है वो बनता है। ठीक है ना, वो रस जो है वो बनता है। ठीक है, वो रस फिर आगे जो है क्या करता है, वो रस जो है आगे जाके सभी धातुओं को बनाता है। ठीक है, उस धातुओं की अपनी अपनी एक अग्नियां हैं, जैसे रस धातु है उसकी रस अग्नि है, रक्त है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे मेल्स में ये, फीमेल्स में आर्तव, ठीक है, वो अग्नि है, ऐसे करके ये अग्नियां हैं। और ये जब धातुओं की बात हुई, फिर उसके आगे और भी है 13 प्रकार की अग्नि बता रहा हूँ, उनमें से ये सारी 13 प्रकार की, 7 आपकी धातु अग्नि होगी, और ऐसे ही पंचभौतिक, क्योंकि शरीर तो है तो पंचभौतिक संगठन, तो पंचभूत अग्नियां भी ऐसे हैं। तो ऐसे मान के हम पंचभूत अग्नियां 5 होगी हमारी, 7 जो हैं हमारी धातु अग्नियां और एक जठराग्नि, 7 और 5 12 और ऐसे 13, ये जठरा ऐसे 13 अग्नियां जो हैं ये बताइए। ये मैं पढ़ूंगा साथ साथ में, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको पहले थोड़ी सी इसकी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेन जो है वो जठराग्नि ही है, सब कुछ करने वाली है। अब इस जठराग्नि को भी ये जब खराब होती है तो किन किन कारणों से खराब होती है, क्या क्या, क्योंकि हमारा दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो जितने त्रिदोष हैं, त्रिदोषों से ही इनकी, इसकी गड़बड़ होती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम मानते हैं कि अब ये 4 प्रकार की अग्नियां हम मानते हैं, 4 प्रकार की है, और ये स्वभाव से ही कईयों की अग्नियां जो हैं इस प्रकार से होती है, जो 4 तरह की टाइप्स बता रहा हूं। ठीक है ना, पास आती है विषम अग्नि। ठीक है, दूसरे नंबर पे विषम अग्नि है, किसी की है ही विषम अग्नि, नेचर ही उसकी है, तो वो अग्नि में क्या होगा, वायु का, वात का, वात का दोष जो है वो ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना, उस अग्नि में, उसमें क्या है, सिम्टम क्या बताए हैं इन्होंने कि कभी भूख लगेगी, कभी नहीं भूख लगेगी, कभी खाना पच जाएगा, ठीक है, कभी नहीं, ऐसे कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती, ये मतलब जिसमें अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि कभी मन करता है खाने का, कभी नहीं खाने का, ऐसे उसके स्वभाव में ही है, वो स्वभाव में ऐसी जो अग्नि है उसको हम विषम अग्नि कहते हैं। तो स्वभाव में ही कईयों की तीक्ष्ण अग्नि ऐसे ही है, वो किसके कारण है, वो पित्त के प्रभाव के कारण है। कईयों की नेचर ही ऐसी होगी जिसमें जब हम क्या कहते हैं, पेशेंट्स की हम कई बार नेचर फाइंड आउट करते हैं, इसकी नेचर कैसी है, वातिक है इसकी प्रकृति, पैतिक है, कफज है, तो पितज प्रकृति वाले जो पुरुष होते हैं, या पुरुष या महिलाएं जो भी पितज प्रकृति वाले जो होते हैं, उनमें तीक्ष्ण अग्नि जो है वो रहती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तीक्ष्ण अग्नि कैसी होगी, उसमें पित्त का प्रभाव ज्यादा होगा, पित्त के प्रभाव से ज्यादा होने, तो एक तो अग्नि वैसे ही है, पित्त उसमें रहता है, और पित्तज वैसे ही गुण ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो तीक्ष्ण हो जाएगा, कुछ भी खाएगा, क्या कहते हैं ना, तो पत्थर भी खा रहा है तो पत्थर भी हजम हो रहे हैं। ठीक है ना,
तो स्वभाव से ही कईयों की प्रवृत्ति जो है वो तीक्ष्ण होती है, ठीक है, ऐसे है। तो तीसरा हमारे पास है मंद अग्नि। मंद अग्नि कैसी है? मंद अग्नि होगा वो, अगर मंद नाम रखा है तो नेचुरली आलसी है, ठीक है ना, अच्छी तरह से खाना पच नहीं रहा, ठीक है। तो वो कैसा होगा पुरुष, कौन सा होगा वो, जो कफज प्रकृति प्रधान मनुष्य जो होते हैं उनमें जो है मंद अग्नि जो है वो रहती है, मंद अग्नि उनकी रहती है, उनकी रहती है। जो अग्नि है इन गुणों के कारण, पिछलता गुण लिए हुए, मधुरता गुण लिए हुए उनके अंदर ज्यादा है, जिसके कारण जो अग्नि है वो मंद है। उनका खाना कैसे, खाना खाएंगे देर से पचेगा, 5-5-6 घंटे। कई कहते हैं ना कि मैं जी थोड़ा सा भी खा लेता हूँ तो वो पचता ही नहीं है, कितनी कितनी देर तक नहीं पचता, ठीक है। तो एक ये है, एक तरह की ये अग्नि है। और चौथे नंबर पे हमारे पास सम अग्नि, जिसमें कि तीनों दोष जो हैं वो सम अवस्था में हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको खाना बिल्कुल खाता है वो, प्रॉपरली सही टाइम पर पच जाता है, ठीक है। तो ये सम अग्नि पूरे टाइम पे उसको जो 2-3 घंटे बाद, 3-4 घंटे के बाद उसको सही भूख लगती है, और मतलब बिल्कुल उसका जो पंजाबी में कह सकते हैं जैसे उसका मादा बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब उसको खाया पिया बिल्कुल पच जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है, थोड़ा सा इसमें ना तीक्ष्ण अग्नि से और सम अग्नि में थोड़ा सा ये फर्क है कि तीक्ष्ण अग्नि में आपको भूख बड़ी जल्दी लगेगी, और खाओगे खाने के बाद ऐसे लगेगा जल्दी पच के फिर भूख लगेगी, ऐसा भी होगा, ठीक है। और खाया पिया बिल्कुल ठीक है, बॉडी स्ट्रेचर भी बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन सम अग्नि का थोड़ा सा ये फर्क है, उसको एक टाइम चाहिए। अगर उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो पच जाती है, लेकिन अपने टाइम पे पच के फिर अगला जो भोजन करने की इच्छा उसको सही टाइम पर होती है। लेकिन तीक्ष्ण अग्नि वाले पुरुष को जल्दी भूख लगेगी बार बार, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने प्रैक्टिकली जो है वो देखना पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये 4 प्रकार की हमने अग्नियां जो है ये बताई हैं, इनका वर्णन ज्यादा आपकी आवाज नहीं आ रही थी भी। योगेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो साउंड प्लीज। लगता है लाइट चली गई। हाँ जी, हाँ जी, जैसा आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं 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 आ रही गुरुजी, अभी नहीं आ रही। नहीं आ रही गुरुजी, नहीं आ रही। सर दोबारा ज्वाइन करने पर रीजॉइन करो। रीजॉइन सर, बहुत मंद मंद आ रही है, बहुत धीमी, नहीं बहुत धीमी, बहुत धीमी, थोड़ी थोड़ी आ रही। गुरुजी आ रही है? कम है, कम। अच्छा, आप पहले जैसे गुरुजी एक बार दोबारा ज्वाइन करो। 25% रह गई है। अब आ रही है सबको आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी जी गुरु जी आ रही है। अच्छा आ रही है जी, आ रही, ठीक है।
तो मैंने थोड़ा सा आपको अग्नि के जठरा अग्नि के बारे में बताया था, काय चिकित्सा के बारे में, आप समझ गए हैं ना सारे? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो अब मैं साथ में पढ़ता चला जाऊंगा और बताऊंगा। मैं आपके थोड़ा समय बीच में बोलूंगा। यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको आयुर्वेद के बेसिक के बारे में भी नहीं मालूम है, जैसे कि दीपन क्या है, पाचन क्या है, लंगन क्या है, इस तरह के जो शब्द है ये इनको नहीं मालूम, बहुत सारे लोग है ऐसे। तो जब हम है ना थोड़ा सा उसमें मतलब एकदम समझ में है ना आपको मतलब उस तरह से पढ़ाया जाए। ठीक है, ठीक है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी को कोई बात अगर नहीं समझ है जी, तो मेरे को बीच में आप टोक के बोल सकते हो कि पंडित जी मतलब मेरे को पूछ सकते हो कि कुछ चीज नहीं समझ आ रही, तो अभी तक जो मैंने बोला है उसके बारे में सबको समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर, अभी तक सब समझ आया, अभी सही आवाज। अग्नियों की मैंने बात करी थी, जठरा अग्नि मुख्य बांधा था। आ रहा सर, आ रहा है। जो आप अग्नि बता रहे थे वो जठरा अग्नि के चार प्रकार बता रहे थे, जो समग्नि, तीक्ष्ण अग्नि बता रहे थे, मंदाग्नि। मैंने ये जठरा अग्नि के आपको चार प्रकार बताए कि चार प्रकार की से जठरा अग्नि होती है, ठीक है। और बाकी 13 प्रकार में जिसमें 5 भूताग्नि और 7 सप्त धातु अग्नि। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। 13 प्रकार की अग्नियों में से 7 जो है वो धातु अग्नि है, 5 भूत अग्नियां हैं, और ऐसे ये जठराग्नि की मैंने बात बताई कि जठराग्नि ऐसे चार प्रकार की मानी जाती है। ये जो आप विश्लेषण बता रहे थे तीक्ष्णा अग्नि और समग्नि का या मंदाग्नि का, इससे पहले एक शब्द और एक अग्नि और बताई थी, वो मैंने मिस किया, वो आवाज नहीं आ रही थी। विषम अग्नि, समग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंदाग्नि। और मंदाग्नि, हाँ। देखो आप विषम, देखो आप नाम से ही समझो, विषम अग्नि विषम है, विषम मतलब जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, इंग्लिश का वर्ड है। प्रेडिक्टेबल का मतलब कभी विषम है, उसका स्वभाव विषम है, ठीक है ना, तो कभी है कभी नहीं है, ये विषम स्वभाव है, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे तीक्ष्ण अग्नि है, उसका पता ही है कि वो तीक्ष्ण है, तेज है, है ना। तो मंद अग्नि का पता है, मंद है, कम है। तो ऐसे विषम का है, ये नहीं पता, कभी थोड़ी सी तेज हो जाती है, कभी मंद पड़ जाती है, तो ये विषम स्वभाव जिसका है उसको विषम अग्नि कहते हैं। तो विषम अग्नि कौन से है, वातिक जो होते हैं पुरुष जो है ना, उनकी अग्नि जो है वो विषम अग्नि होगी। तीक्ष्ण अग्नि वाले पुरुष जो है वो जिनकी तेज होगी, पितज प्रकृति वाले पुरुषों की। मंद अग्नि जो है कफज प्रकृति वाले पुरुषों की। समाग्नि जो होते हैं कई जिनकी प्रकृति भी सम रहती है, तो ऐसे होता है। अच्छा, इसमें एक बात ना थोड़ा आप ध्यान रखो, जब हम प्रकृति की बात करते हैं ना, वातज प्रकृति, पितज प्रकृति, कफज प्रकृति, ये मैंने शायद पिछले चरक के लेक्चर में भी शायद आपको बताया था कि ये हाँ जी, हाँ जी, तो जब हम प्रकृति परीक्षण करते हैं ना, तो गुण होते हैं, जैसे वात के सपोज कर लो 40 गुण है, पित्त के सपोज कर लो 40 है, कफ के 40 है, ऐसे हम जब प्रकृति परीक्षण करते हैं ना, तो उसमें हम पूछते हैं उससे, इंटेरोगेशन से पूछने से, उसको उसके दर्शन स्पर्शन उनसे हम पूछते हैं, उससे हम पता करते हैं, ये नाड़ी से हम देखते हैं कि ये उसकी प्रकृति कैसी है। ऐसे ही हम उनसे क्वेश्चन पूछ के खाना, आपको खाना आप खाते हो, कैसी भूख लगती है, अगर पेशेंट कहता है जी मैंने कई बार तो मेरे को बहुत अच्छी भूख लगती है, कई बार बहुत कम लगती है, उसको आप देखो उसको कैसा है, उसका डील डॉल कैसा है, वो दुबला पतला है अगर, तो उसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वातिक प्रकृति भी इसकी वातिक है, देखने में भी ऐसा है। तो ऐसे ही पितज प्रकृति वाला, उसका डील डॉल अच्छा होगा, मतलब ना बहुत भारी होगा वजन, ना बहुत पतला होगा, ठीक है, वो कहेगा जी मेरे को भूख ही बड़ी लगती है, ठीक है, बहुत भूख लगती है, खाना भी पच जाता है, और उसको कई बताते हैं कि मेरी स्टूल की जो मेरा स्टूल है वो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अधिक प्रभूत मात्रा से वो करते हैं, ऐसे ही खाते भी प्रभूत मात्रा से खाना, तो वो तीक्ष्ण अग्नि में उनका, उसे हम अंदाजा लगाते हैं। ऐसे ही मतलब हाई मेटाबॉलिक रेट, यस एग्जैक्टली, आप तो मेरे को लगता है थोड़ा यस, जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वो तीक्ष्ण अग्नि वाले हैं।
जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है वो लोग देखे हैं मैंने, पतले दुबले होते हैं, कुछ भी खाए वो कहते हैं भैया तो घर को बदनाम कर रहा है, इतना मर्जी खा ले फिर भी रहेगा सूखा का सूखा। हाँ मैम, इसमें थोड़ा सा आप ये बात समझो, एक और भी होते हैं जो दुबले पतले हैं, उनको होता है कभी भूख लगती है कभी नहीं भूख लगती, एक है जो दुबले होते हैं थोड़ा सा शरीर उनका गंठवा भी होता है, थोड़े दुबले भी होते हैं, ऐसे जो होते हैं उनको भूख बड़ी लगती है, वो पितज प्रकृति में आते हैं। आप सही कह रहे हो, आप ऐसे पर्सन जो आप देखते हो उसको ध्यान से उसको देखो कि वो बहुत ज्यादा पतला नहीं होगा, बहुत भी ज्यादा दुबला पतला नहीं होगा, स्ट्रेचर उसका ठीक होगा, पतलों में आते वो थिन में एनर्जी पूरी होती है, आते थिन में है, कपड़े लगते नहीं है स्मॉल साइज, बट एनर्जी पूरी होती है, काम पूरा करते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं होती, दे आर वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव। हाँ यस, ये जो आपने पॉइंट कहा ना, वो पितज प्रकृति वाले पुरुष होते हैं, और कफज वाले होंगे जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है, सुस्त होंगे स्वभाव से, खाने में भी उनको हमको ऐसे लगता है कि कई जो भारे व्यक्ति होते हैं उनको भूख बड़ी लगती है, पर आप देखो उनको भूख कम लगेगी, ठीक है, और उनको खाना पचेगा नहीं वो कहेंगे जी मैं तो कुछ भी खाता हूँ मेरे को लगता ही बहुत है, हवा खाता हूँ हवा भी लग जाती है, तो ये मंद अग्नि में ऐसे पुरुष जो है वो आते हैं, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है जी। गुरु जी एक चीज और नोटिस की है मैंने, हाँ हम आगे बस एक चीज और, मैंने ये देखा है कि कुछ लोगों की कभी विषमग्नि होती है, कभी तीक्ष्णग्नि होती है, कभी समग्नि होती है, मौसम के अनुसार भी मेटाबॉलिक रेट चेंज होता है। वो देखो, आपने हमेशा फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में डीमार्केशन जो करनी है ना, वो एक वैद्य को बड़े ध्यान से समझना पड़ता है कि ये फिजियोलॉजिकल है यानी स्वभाव से है, कि ये मौसम के अनुसार हुआ है क्या है, ये तो आप कर सकते हो बार बार जब आपको उससे पूछ कर कि अब सर्दियों में कैसा लगता है, गर्मियों में कैसा है आपका स्वभाव, वो नेचुरली वैसे क्या है, 12 महीने के अकॉर्डिंगली आपको पूछ के कि भी आपको भूख ज़्यादा लगती है कम लगती है, सर्दियों में तो अब सबको ही भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, क्योंकि मौसम है उसमें, वो तो हमने बात भी करी थी जब हमने उसका इनका सीजन्स के बारे में हमने चैप्टर जो पढ़ा था पीछे चरक का, अगर आप नहीं थे शायद उस टाइम पे, तो ये बात है आपने पैथोलॉजिकली देखना है, वो कैसे आप देखेंगे कि वो उसकी अग्नि तो पीछे जो है स्वभाव से, लेकिन अभी उसको ना प्रॉब्लम होगी, उन्हें कोई डिजीज होगी, वो कहेगा मेरे को जलन बड़ी होती है जी, खट्टे डकार बड़े आते हैं जी, क्या कहेगा जी भारीपन रहता है, पेट ऐसे कसा कसा ही रहता है जी, ठीक है, ऐसी बातें जब करेंगे तो इसका मतलब वो डिजीज्ड है, ठीक है ना, अब वो स्वभाव से नहीं है, वो जो है पैथोलॉजिकल सिचुएशन जो है वो बन चुकी है, ठीक है ना, तो हमने उस तरह से तब चलना, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है मैम चले आगे। हाँ जी, तो हाँ जी, अब इसमें मैं बात कर रहा था कि कफ के ज्यादा होने पर श्लेष्मा के गुण जो है पित्त और अग्नि के विपरीत होने से अग्नि को मंद करते हैं, ये जो हमारी मंद अग्नि में है, पित्त क्या है, अग्नि जाति होने से पित्त जो है बढ़ता है, तो सर्वदा सामान्य वृद्धि कारण के कारण जो है वो अग्नि को तीक्ष्ण करेगा। अब यहाँ पे वायु की बात हम करेंगे, जो वायु है ना, वायु यहाँ पे वात को जो है योग वाही माना हुआ है, तो ये योग वाही से क्या करता है कि अपने ये शीत गुण से ना अग्नि को मंद करेगा, और यदि ये पित्त से पित्त के संसर्ग में हो जाएगा तो ये तीक्ष्ण करेगा अग्नि को, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको स्वभाव की सारी बातें बता दी ना, स्वभाव से जिसकी अग्नि कैसी है, जठर अग्नि कैसी है, ये उसकी बारे में बताएं। अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब किसी की अग्नि जो है डिस्टॉर्ट होती है, अग्निमंद की बात मैं करूंगा, ये हमने ऐसे बताया, अब आगे बात होगी अग्निमंद की, जब किसी के अग्निमंद होता है तो उसमें अगर पित्त दोष बड़ा है तो वो पितज अग्नि मंदे में आएगा, द्रवत्व बढ़ेगा। चलो मैं इतनी बात नहीं करता, बस मैं इतनी आपको बात समझाऊंगा कि अगर पित्त बढ़ता है तो वो अग्नि को तेज कर देगा, कफ बढ़ेगा तो वो अग्नि को मंद करेगा, ठीक है, और अगर वात बढ़ेगा तो वो जो है वायु जो है वो हमेशा इनके संसर्ग में रहता है, या पित्त के संसर्ग में रहता है या कफ के संसर्ग में रहता है, अगर वो कफ के संसर्ग में रहेगा तो अग्नि को मंद करेगा,
ठीक है, ये साथ में ही रहता है। जैसे हमने एक श्लोक पढ़ा था ना, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातु वायणा यत्र, तो कहने का मतलब है जब तीक्ष्ण अग्नि या मंद अग्नि होगी उसमें भी वायु का संसर्ग जरूर रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। और एक अलग से वायु के दोष पड़ने से, ठीक है, तो भी वो अग्नि को जो है उसका अग्नि मंद जो है वो करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा शास्त्र उसके किताबी किताब के तौर से पढ़े, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जो है एक तरह से लेक्चर बताया था। ये बुक का नाम बताएंगे आप प्लीज? चला गया हमारा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये बात दोषों के प्रकोप और प्रशमन का कारण जो है वो क्या है? हमारी जठराग्नि है। इसकी समता की रक्षा में सदैव सावधान रहना चाहिए तथा अग्नि को वितरित करने वाले कारणों से बचना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये जो रेफरेंस है ये चरक में ही बताइए, चरक उक्त स्थान में ही बताया गया है। सर जी, वायु बढ़ने से क्या पित्त भी बढ़ेगा क्या? सर जी क्या कह रहे हैं? वायु बढ़ने से पित्त भी बढ़ जाता है क्या? क्या पूछ रहे हैं जी? मैं पूछ रहा था वायु वायु बढ़ने से पित्त भी बढ़ता है क्या? मैं पॉइंट जो बता रहा था ना सतीश जी, वो पॉइंट ये था कि चाहे नहीं, आप मेरी बात को समझो, मैं क्या पॉइंट बता रहा हूँ। मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि अगर पित्त बढ़े चाहे कफ बढ़े, उसमें वायु का संसर्ग, वायु जो है वो योगवाही होता है, वो पित्त को जो है लेके जाएगा, ऐसे ही कफ को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा ये अर्थ है कि जब भी अग्नि मानदेय होता है तो उसमें वायु का सहयोग हमेशा रहता है, चाहे वो पित्त पित्त के बढ़ने से हो चाहे वो कफ के बढ़ने से, ठीक है ना। उसको ले जाने वाला तो वायु है ना, ये बात कर रहा हूँ, समझ गए सतीश जी? ठीक है ठीक है, ये बात कर रहा हूँ। तो गुरु जी, ये आवाज है ना बीच बीच में बिल्कुल जा रही है, समझने में काफी दिक्कत हो रही है। आपका यही पॉइंट है ना? अच्छा, मैं पूछने वाला था अग्नि मंदिर में नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ से? अभी मुंबई में तो नेटवर्क का इश्यू नहीं है मुझे। जी जी सर, लेकिन हो रहा है कि बीच बीच में आवाज बिल्कुल जा रही है, तो आपकी आवाज बीच में टूट रही है। जी गुरु जी, ऐसे ही आपकी भी टूट रही है। कुछ लोग के सर माइक ना लगातार खुले हैं, कुछ लोगों के ना लगातार माइक खुले हैं, वो कृपया माइक बंद कर दें। माइक बंद करता हूँ लेकिन अभी आवाज आ रही है। बीच बीच आती है, बीच बीच में पूरी बंद होती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे को तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये ना चल रहा है, नेट तो यहाँ से चल रहा है। सर आपका कंटिन्यूअस आवाज आ रहा है, वो उनका उनके एंड से इशू है, हमें कोई ऐसा इशू फेस नहीं हो रहा है। हाँ वो कईयों के नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऐसा है ना, हमने रिकॉर्ड रिकॉर्ड में रखा हुआ है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। दरअसल आपको अपना कंटिन्यू रखिए आप, है ना। हाँ जी। बुक का नाम बता देंगे जिससे आप पढ़ रहे हैं, ताकि हम खुद पढ़ के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। हाँ आप ऐसे कर सकते हो, विद्याधर शुक्ल की कायकृत्ता की बुक वो ले सकते हो आप, ठीक है। विद्याधर शुक्ला जी की, क्या बोला आपने? अर्चना मैम, इनके नाम से है। विद्याधर शुक्ला बुक का नाम बताइए प्लीज। बुक है विद्याधर शुक्ल की, इनका ऑथर है, उनके नाम से, ठीक है। मतलब चरक संहिता। गुरुजी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, क्वेश्चन आंसर लास्ट में रख के गुरुजी प्लीज। हाँ सर प्लीज। सर पहले आप पढ़ाइए और बीच में डिस्टर्ब ना करिए अर्चना जी, आप हमें पढ़ने का मौका बाद में पूछिए, आप जो भी पूछना है बाद में पूछिए। ओके ठीक है जी। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रही।
रजा आपका आवाज नहीं आ रही थी। गुरु जी आगे बढ़ाइए। रजा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, जीरो है आवाज। कोई बात नहीं, कल से हम जूम 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 का वो ले लेंगे हम, है ना, कल से जूम से शुरू करेंगे। और सर यही तो मैं आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही है मेरी आवाज। जैसे आपके ना आवाज बहुत कम आ रही है, आ ही नहीं रही है बिल्कुल, बहुत कम आ रही है। बहुत धीरे, बहुत धीरे, थोड़ी थोड़ी होंगी सर, थोड़ी थोड़ी होंगी है, घट है आवाज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, दोबारा से करता हूँ। हो गया। ठीक है सर, हम फिर कट गई सर, फिर कट गई, फिर कट गई। आपके मोबाइल के जो है उस वॉल्यूम को चेक करिए जरा, मोबाइल के उसमें जिसमें से आप पढ़ा रहे। मैंने यहाँ क्लास में नहीं, आवाज नहीं जा रही है, बहुत धीमी आ रही है, बहुत आप आ रही है, अब आ रही है, हाँ अब आ रही है, हाँ जी हाँ, ठीक है। मुझे लगता है आपको ना, अगर आपके पास एयरफोन है तो एयरफोन लगाइए सामने। एयरफोन तो नहीं मैंने अभी रखा हुआ, देखता हूँ देखना बच्चे को लो एयरफोन पे है तो फिलहाल अभी आ रही है गुरुजी, आप पढ़ा सकते हैं। आवाज आना शुरू हो गया है गुरुजी, अब ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बोलिए। चलो ये जो बात मैं बता रहा था कि काय चिकित्सा का जो वर्णन किया है उसके वर्ड का जो वर्णन है ना, ये दलहन ने और चक्रवाणी जी ने जो है इसका बताया था कि काय का अर्थ जो है वो जठराग्नि लिया है, ये दलहन और चक्रवाणी जो है उन्होंने दिया। तो शिवदास सेन जो है उन्होंने भी, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से ऑथर से जो जो जिन्होंने टिप्पणियां की थी, जिन्होंने काय चिकित्सा के ऊपर काय का जो शब्द दिया था वो जठराग्नि दिया था, शिवदास सेन है उन्होंने भी कहा कि जो काय का अर्थ जो है वो जठराग्नि का। ऐसे ही भोज ने अपनी बात बताई थी, उन्होंने भी कहा। तो मतलब मूलतः सभी आचार्य ने यही कहा कि जो काय है वो जठराग्नि को मानना है, तो उसकी चिकित्सा को काय चिकित्सा जो है वो मानना, ठीक है। तो अब साथ हमारी धातुएं हैं उनकी बात मैं कर रहा था, तो उसमें कौन कौन सी अग्नियां हैं, वो कौन सी है, रस अग्नि है, रक्त अग्नि है, मांस अग्नि है, मेद अग्नि है, अस्थि अग्नि है, मज्जा अग्नि है, और पुरुषों में जो है शुक्र अग्नि है और स्त्रियों में आर्तव अग्नि है, ठीक है। ऐसे ये सात प्रकार की अग्नियां हुई। अब पंचभूत अग्नि जो है, प्रत्येक धातु अग्नि में अन्न पाणगत प्रत्येक भूत के पाचन और पृथकीकरण के लिए पृथक अग्नि होती है। कहने का मतलब है अब ये और भी स्पेसिफिक होगी, अब हम पंच भौतिक अग्नियों की बात करें, ये कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित हैं धातुओं के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सा एलोपैथी के साथ अगर लेकर चलें तो धातुओं के अंदर यानी टिश्यूज लेवल के अंदर, सेल्स के अंदर जो हमारे छोटे छोटे कण हैं उनके अंदर जो अग्नियां हैं, ठीक है ना,
इसको थोड़ा सा मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है जो धातुओं के अंदर अगर हम आयुर्वेदिक व्यू से इसको पढ़ें तो ये कहेंगे जो धातुओं के अंदर जो अलग से जो अग्नियां हैं ना, तो एक तो धातु की अग्नि है, रस अग्नि है, ठीक है। अब रस धातु है, उस धातु के अंदर जो अग्नि है, ठीक है, तो उनके अंदर पंच भौतिक अग्नियां जो है हर एक की, तो इस प्रकार प्रत्येक धातु में पांच भूतों की पांच अग्नियां होती हैं, इन्हें हम भूत अग्नियां कहते हैं। इसके अतिरिक्त द्रव्य में भी अपने अंदर स्थित भूतों की पाचक अग्नियां होती हैं। द्रव्य का कहने का मतलब है जितनी मेडिसिन है, ठीक है ना। तो देखो कैसे इनका रिलेशन कैसे बन रहा है कि जो मेडिसिन भी हैं, जो द्रव्य भी हैं, प्लांट्स हैं, उनके प्लांट्स भी एक लिविंग बींग है, तो उसके अंदर भी अपने भूताग्नियां हैं, तो किसी उसके के अंदर भी भूताग्नियां स्थित है। ऐसे ये बात बता रहे हैं कि द्रव्यों में भी भूताग्नि है और शरीर में भी जैसे भूताग्नि है, पंच भौतिक अग्नि है, ऐसी उनमें द्रव्य में। तो ये कौन कौन सी है उनका वर्णन इन्होंने बताया, भौम या पार्थिव, पार्थिव अग्नि, ठीक है, जो पंचभूतिक में जो पार्थिव है वो पृथ्वी गुण है, तो पार्थिव अग्नि। आप्य या जलीय, जिसमें जलीय अंश है, ठीक है ना, तो जो आप्य है या जलीय, जलीय अग्नि जो है, जो जलीय अंश को पचाने वाली है, तो वो जलीय अग्नि होगी, ठीक है ना। वाव्य अग्नि, ठीक है, जो कोई भी वहां पर वायु अंश है उसको पचाने वाली जो अग्नि है वाव्य अग्नि होगी। अग्नेय अंश कोई है तो अग्नेय अंश को ही पचाने वाली जो, देखो उसकी भी अपनी अपनी हर एक की अग्नि है, तो वो अग्नेय अग्नि होगी। तो नाभस, नाभस क्या है, जो आकाश, आकाश गुण कहाँ है उसको कहीं ना कहीं पचाने के लिए जो अग्नि है, तो वो नाभस अग्नि जो है। देखो कितना स्पेसिफिक, और भी ज्यादा स्पेसिफिक होता चला जा रहा है कि उन पंच भूत भौतिक चीजें जो अंदर पड़ी हैं वो कैसी की, कोई जलीय अंश है, कोई पार्थिव अंश है, कोई वाव्य अंश है, कोई आग्नेय अंश है, उसको भी बचाने के लिए उनकी अपनी अपनी अग्नि जो है वो ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो पंच भूतात्मक देह के पोषणार्थ जब पंच भौतिक आहार किया जाता है तो वह पंच भूत अग्नियों के परिपक्व होकर शरीर के पार्थिव आदि गुणों की वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली अब पंच भौतिक कैसे, मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे, किस तरह ये अग्नियां हैं कि अगर कोई पृथ्वी पदार्थ जो ज्यादा है, अब उस पृथ्वी पदार्थ जो कफ से रिलेटेड, हम कह सकते हैं कि कफ को ये डिनोट करे ना, तो पृथ्वी पदार्थ को बचाने के लिए पृथ्वी अग्नि हो गई, ठीक है। ऐसे ही जलीय पदार्थ, ये चीज मैंने आपको पहले भी कहा, बस वही चीज है, उसको परिपक्व करने के लिए जो अग्नियां हैं तो वो पंचभूत अग्नियां जो है वो मानी जाती है। तो सजातीय द्रवों के गुण सजातीय द्रव गुण द्रव्य गुणों का ही पोषण करते हैं, वही बात है कि सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि का कारण ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूपे से, तो वही श्लोक जो है यहाँ पे फिट बैठता है कि जो सजातीय द्रव्य हैं उनको बढ़ाने के लिए वैसी ही अग्नियां जो है उनको पार्थिव गुण को बढ़ाने वाली पार्थिव अग्नि फिर उन चीजों को बढ़ाएगी, ऐसे है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, परिचय करेंगे। जस्ट मिनट, एक मिनट, तो आचार्य चरक ने जो है अग्नि मानदे का मैंने आपको बताया था, इसका वर्णन इन्होंने कहां पर किया हुआ है, गृहिणी चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन है। आचार्य चरक ने तीक्ष्ण अग्नि के विपरीत लक्षण होने वाले अग्नि को मंद कहा, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था स्वभाव से चार प्रकार की अग्नियां, एक मैं अब यहाँ बता रहे हैं थोड़ा सा ये पैथोलॉजिकल बात बता रहे हैं कि जो तीक्ष्ण अग्नि से विरुद्ध है उसको हमने मंद अग्नि मानना है। अतः पहले तीक्ष्ण अग्नि का परिचय अवश्य, पहले आप तीक्ष्ण अग्नि समझो कि तीक्ष्ण अग्नि क्या है, ठीक है। तो तीक्ष्ण अग्नि नियत समय पर किए गए अधिक मात्रा वाले आहार को भी शीघ्र पचा देती है, तो अधिक मात्रा वाले आहार को भी पचाने वाली जो अग्नि है वो तीक्ष्ण अग्नि है, इसका मैंने आपको बताया था। इसके विपरीत अग्नि मंद हो तो पुरुष अल्प मात्रा में ही आहार से तो वह बहुत देर से पचता है और साथ ही उदर और शरीर में भारीपन, ठीक है, खाना नहीं पचेगा उसको काफी देर से, ठीक है, पेट में भारीपन रहेगा, खास श्वास रहेगा उसको, लाला श्राव यानी मुंह से सलाइवा निकलता रहेगा, ठीक है, अंगों में वेदना आदि लक्षण जो है वो ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो
ये अग्निमांड के परिचय में सबसे पहले तीक्ष्ण अग्नि की बात करी। अब अग्निमांड का आपको मैं बताऊंगा निदान क्या है, क्यों होता है, ठीक है ना, अग्निमांड होता क्यों। तो परस्पर विरुद्ध आहार करने से, विरुद्ध आहार में अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम शादियों में जाते हैं, ठीक है ना, उसमें विरुद्ध आहार ही हम सारा का सारा विरुद्ध आहार ही करते हैं। थोड़ी देर में ठंडा खा लिया, थोड़ी देर में गर्म चीज खा ली, तो ये क्या आहार है, ये सारा का सारा विरुद्ध आहार है। तो पुराने जमाने में जो है बताते थे, चलो अब तो हम शादियों में तो हमको पता ही कि फूड की वैरायटी इतनी हो गई है कि वो हम गलत मलत खाते हैं, तो मैक्सिमम जो 70-80% आहार जो है वो विरुद्ध आहार है, ठीक है। तो उस टाइम में मानते थे जैसे दूध के साथ दही खाना, ये विरुद्ध आहार माना जाता था। दूध के साथ मांस लेनी, ये विरुद्ध आहार माना जाता था, ठीक है। आजकल भी दही बड़े जो माने जाते हैं वो भी विरुद्ध आहार में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब विरुद्ध आहार था, ठीक है। तो मधु और घृत को विरुद्ध आहार भी माना गया और विष आहार माना गया, विष ही है बिल्कुल। मछली को दूध के साथ लेना, ये भी विरुद्ध आहार में आता था, ये बीमारियां करता था, ठीक है। तो बेसिक क्या होता था, इसके पीछे छुपा क्या था कि जब भी विरुद्ध आहार करेंगे तो सीधा वो अटैक किसके ऊपर करेगा, सीधा वो जठराग्नि के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना, जठराग्नि को मंद करेगा या जठराग्नि को खराब करेगा, ठीक है। तो ये था उसके पीछे कारण जो है, यही है। ये आप लिख सकते हो कि अग्निमांड के निदान में सबसे पहला कारण है परस्पर विरुद्ध आहार, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, पूर्व में किए गए भोजन के बिना बचे पुनः भोजन करना, ये भी हम आजकल बहुत करते हैं, ठीक है ना, कि पहले खाना जो है पचा नहीं है, ठीक है, तो हम बीच में खा देते हैं। कोई कहता जी आ जाओ जी चाय पी लो जी, कोई चाय पी लो, ठीक है, क्या खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने एक दो घंटे के बाद चाय पी ली, ठीक है, फिर उसके दो तीन घंटे के बाद पिछला खाना पचा नहीं, फिर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ खा लिया, फिर कोई स्नैक्स खा लिया, फिर कुछ खा लिया। तो इसीलिए आजकल सबसे ज्यादा रोग जो है वो पेट से संबंधित इसीलिए रोग ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा कारण मैंने बताया कि पहला पचा हुआ आहार नहीं है तो आपने आगे फिर खा लिया, ठीक है, तो ये अग्नि का मंद करने वाला है। ये जनरल कारण बता रहा हूँ, इसमें भी आगे भी आएंगे, वातज अग्नि, पितज अग्नि, कफज अग्नि, अग्निमांड, सॉरी वातज अग्नि मंद, पितज अग्नि मंद, उसके अलग अलग कारण होंगे। तो ये जनरल कारण बता रहा हूं। अजीर्ण होने पर भी भोजन करना, अच्छा अजीर्ण अलग चीज है, अग्निमांड अलग चीज है, ठीक है ना। तो अजीर्ण होता है, अजीर्ण है प्रॉपर, जिसको हम इंडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अजीर्ण एक रोग है, ठीक है, अग्निमांड के बढ़ जाने से भी अजीर्ण हो जाता है। जो कॉम्प्लिकेशन है अग्निमांड की, जो उपद्रव है उसमें अजीर्ण है, उसमें ग्रहणी रोग है। अगर किसी को काफी देर तक अग्निमांड रहेगा तो वो अग्निमांड बढ़कर जो है अजीर्ण हो जाएगा, ठीक है, या अग्निमांड बढ़कर जो है ग्रहणी रोग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये निदान अर्थ कर रोग जो होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सपोज करो किसी को पहले ही अजीर्ण रह रहा है, ठीक है, तो अजीर्ण हुआ पड़ा है, तो फिर वो उसके बाद भी वो भोजन करता है, ठीक है ना। तो उसने एक और साइकिल डेवलप कर दिया कि ऑलरेडी उसको अजीर्ण था, उसको इंडाइजेशन थी, उसको पहले ही था, तो उसने फिर से खाना खा लिया। वरना किसी को अजीर्ण होता है तो हम उसको यही कहते हैं कि तू अब उपवास कर, ठीक है, उसको लंघन क्रिया कहते हैं, लंघन की क्रिया है, इसको कहते हैं कि तू उपवास कर। उपवास करेगा तो उसका जो अजीर्ण ठीक होगा, जठराग्नि जो है वो अपने आप प्रदीप्त होगी, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अजीर्ण होने के बावजूद भी आप अगर भोजन करोगे तो फिर उससे और अग्निमांड होगा, ठीक है। तो ये आपने कारण, मैंने आपको ये तीसरा कारण बता दिया। चौथा कारण लिखिए आप, आटे या बेसन की बनी वस्तुओं का अधिकांश सेवन करना, ठीक है। तो देखो ये कितनी अच्छी बात बताई हुई है, ये इसका जो वर्णन बताया हुआ है ना, ये चरक चिकित्सा अध्याय में ही बताया हुआ है, ठीक है ना। चरक चिकित्सा अभिमान, सॉरी चरक विमान में छवें चैप्टर में इसका ये वर्णन बताया, चरक चिकित्सा के 15वें चैप्टर। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये निदान की यहाँ पे बताई हुई है, अग्निमांड के निदान की मैंने आपको बताया 15वें चैप्टर में है, तो वहीं से ये लिया है, ये रेफरेंस वहीं से उठाया हुआ। अब ये बता रहा है कि आटे और बेसन की बनी वस्तुओं का अधिकांश सेवन जो है प्रयोग करना। अब ये देखो उस टाइम पे क्या करते थे, आप सुनते भी होंगे अपने जो है अपने पूर्वजों से कि भी पहले जो है हर तरह की रोटी बनती थी, बाजरे की भी रोटी बनती थी, हर तरह की रोटी बनती, तो अब का जौ की रोटी बनती थी,
तो अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ गेहूं की ही रोटी बनती है। तो ये भी एक कारण है कि सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही खाते रहना वो भी अग्नि मानदेय को करता है, या सिर्फ ही सिर्फ आप बेसन ही खाते रहोगे, बेसन हैवी है, गुरु है, गुरु माना गया, ठीक है ना, तो वो भी किसका कारण है, वो भी इसका अग्नि मानदेय का कारण है। ये लिख लीजिए आप, ठीक है ना, पहला लिखा दिया, दूसरा लिखा दिया, तीसरा, चौथा, चौथा कारण ये है, ठीक है, पांचवा लिख लीजिए, अपक्व भोजन करना, अपक्व यानी कच्चा पक्का भोजन, ठीक है, फॉरेन स्टाइल है, फॉरेन में ऐसे करते हैं, ठीक है, कभी पका हुआ डाल लेते हैं, कभी आधा पका जो है, ये गलत है वहाँ पे जो ट्रेंड है। या तो आप बिल्कुल ही कच्चा खाओ, जैसे फ्रूट्स हैं, फल है, फलाहार करोगे वो तो कुदरत की तरफ से जो दिया हुआ है, ठीक है, या तो ऐसा ही आहार करो, कच्चा पका आहार जो है वो भी अग्नि को मंद करता है। फिर और क्या करता है, मध्य, मध्य यानी शराब, ठीक है, मध्य जो है वो भी जठराग्नि को नुकसान करती है। दूध, इसमें गुरुजी एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आपने कहा अपक्व आहार, मतलब जैसे सलाद खा लिया फिर उसके बाद खाना नहीं, खा नहीं, लिया। नहीं, 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 मैंने आपको अभी बताया जो नेचुरल है ना जी, कच्चा आहार, या तो आप कच्चा आहार लो, कच्चा आहार जो है मैंने फल फ्रूट आपको बताया ना, फलाहार, या आप सलाद ले रहे हो या टमाटर ले रहे हो, ये फल है एक्चुअली में, तो ये फलाहार में ही आते हैं, हम इसको सलाद कहते हैं, एक्चुअली में ये फलाहार में आते हैं, तो ये फलाहार नेचुरल है, ये अपक्व नहीं है। अपक्व है कि आधा पका हुआ कच्चा पका आहार जो है ना वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि बॉइल्ड है, ठीक है ना, बॉइल्ड भी हमको वैसे ही अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमने उसके सारे तत्व खराब कर दिए। तो अगर हम शुद्ध आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली चलें तो बहुत ही वो स्ट्रिक्ट थे इस बात में कि आपने बिल्कुल भी अपक्व आहार नहीं लेना, पूरा पका हुआ या तो उसको पका लो या उसको आप जो है कच्चा ही खाओ, जो जो कच्चा खाने योग्य है, अभी ये नहीं कि मांस आप जो है वो कच्चा ही खा जाओ, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, गुरु और अभिषंदी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु यानी हैवी, जो स्वभाव से ही भारी है, माश की दाल है, स्वभाव से ही भारी है, उनका अधिक भोजन नहीं करना। अभिषंदी, अभिषंदी में जैसे आ जाता है हमारे पास दही है, ठीक है, देखो अब ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को इतनी प्रैक्टिकली आप समझ आ रही है, चरक और तरह से हम पढ़ते थे, ईशुकांत जी को पता है ना, तो ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है कि जो है हम, जो हम रोज़मर्रा की जिंदगी में जो कर रहे हैं, तो ये सीधा ये प्रैक्टिकल बात आ गई यहाँ पे। गुरु और अभिषंदी, अभिषंदी में जैसे दही है, दही को मना किया हुआ, दही नहीं हमको इतना खाना चाहिए, ये मैंने बताया भी था शायद चरक में बताया था, ठीक है। अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म भोजन भी नहीं करना चाहिए, ये भी है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म भोजन करेगा वो अग्नि को जो है खराब करेगा। बहुत ज्यादा अति स्निग्ध, बहुत जो है स्निग्ध भोजन भी जो है नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा रूक्ष भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अति अम्ल, बहुत खट्टा, खट्टी चीजें जो है वो भी नहीं खानी चाहिए। और बहुत ज्यादा जो है द्रव, द्रव यानी कि अब कईयों का ये है कि कहते हैं ना मैं तो लिक्विड आहार पे रहता हूँ जी, मैं लिक्विड डाइट लेता हूँ, तो वो भी गलत है। ये आप कहो कि मैं सारा दिन लिक्विड डाइट ही पीता हूँ, लिक्विड, हाँ एक आधा दिन आपने उपवास करा है वो तो ठीक है, लेकिन अब अगर आप कहो मैं रूटीन में ही मैं जो है लिक्विड ही लूँ, डाइट ही लिक्विड लूँ, तो वो भी नुकसान करेगा, वो भी कहीं ना कहीं आपकी अग्नि को जो है वो मंद करेगा, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, चीनी, फाणित, उस टाइम पे फाणित कहते थे ना, चीनी तो होती नहीं थी, तो फाणित यानी जो देसी खांड कह लो आप, तो उसको उससे बने पदार्थ जो है, चीनी से बने हुए पदार्थ जो है, खांड से बने हुए पदार्थ वो नहीं लेने, ठीक है। दिन में भोजन के बाद नित्य सोना, देखो ये भी अग्नि मानदेय करेगा, ये आपने खाना खाया, खाना खाते ही आप सो गए, ठीक है ना, ये हम कहते ही हैं पेशेंट्स को, कहते हैं यार तुम जैसे ही खाना खा के, आपने सोना नहीं है, खाना खा के लेटना नहीं है, खाना खा के थोड़ा सा सैर करनी है, थोड़ा सा चलने से जो है वो वायु का अनुलोमन होगा, वायु के अनुलोमन होने से जो अग्नि है थोड़ी सी प्रदीप्त होगी, अब यहाँ पे वायु का योगवाही गुण आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जठरी को, जठरा अग्नि को थोड़ा सा प्रदीप्त करेगा, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में कहें तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ेगा, अगर हम
थोड़ी सी सैर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो अति जलावगाहन, जलावगाहन यानी ज्यादा नहाना भी नहीं है, ये भी कितना अच्छा पॉइंट है कि ज्यादा देर नहाते भी नहीं रहना। इसका सीधा असर कहाँ पे होता है, हमारा जो भ्राजक पित्त है, जो हमारा जो त्वचा है, त्वचा से सारी ऊष्मा खींची जाएगी, पानी में अगर रहेंगे तो त्वचा की ऊष्मा ही खत्म हो जाएगी। अब त्वचा की ऊष्मा जब वो कम होगी तो नेचुरली जठराग्नि जो है उसका सीधा प्रभाव जठराग्नि में, कितना ये प्रैक्टिकल बात बताई है, ठीक है ना। तो भोजन के बीच में जल पीने का अभ्यास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ही कहते हैं पेशेंट को, कहते हैं कि आपने खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना, खाना खाने के एकदम तुरंत बाद पानी नहीं पीना, खाना खाने के कम से कम 48 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या कारण है, ये भी क्या करेगा, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि का मंद करता है, मंद करता है, ठीक है। ये हो गया, आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो ना ये सारा, ये पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप लिखो इसको, ठीक है। यस सर, ये 13वां पॉइंट है आपका अभी। हाँ, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखो, ये आपको याद भी रखे, इसको आप अपनी एक बुकलेट कॉपी बना लो, उसके ऊपर इसको पॉइंट वाइज इसको लोगों याद रहेगा। मैं आप सभी लोगों को बोलूं, पानी ज्यादा अगर रोटी के बीच में पानी पीते है उससे एक अलग व्याधि बनेगा, उसको बाद में समझने के लिए अभी आप इसको नोट कर लो। हाँ, भोजन करने के बाद सोने की जो आदत है उससे कुछ व्याधि बनेंगे, जैसे डायबिटीज है। उसको बाद में समझने के लिए इसको हमें अभी पहले से, डायबिटीज के पेशेंट आपके पास आते हैं तो आपने क्या पूछना है कि क्या आप भोजन करने के बाद तुरंत सोते थे। पंडित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जितनी भी व्याधियां है ना उसमें से सबसे पहले मूलभूत कारण होता ही अग्निमांद से ही सारे योग। ये अग्निमांद को एक हम अभी व्याधि लेके चल रहे हैं, एक्चुअली में अग्निमांद के कारण ही तो सारे रोग हो रहे हैं, काया है ना जठरा उसके कारण ही सारा कुछ मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही आ रहा है ना। वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ की हम दोष स्थिति में वहां पे चरक पे तो हम ये बातें नहीं करते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम दोष की स्थिति का असली मतलब क्या है, असली मतलब देखो तीन बातें हैं, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म, इन दोनों को मिला के बनता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब आप लेके चलो एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यानी शरीर को बढ़ाने वाली चीजें, शरीर को बढ़ाने वाली चीजें जो कफ को भी बढ़ाएंगी, ठीक है, कफ को बढ़ाने वाली चीज वो आती है एनाबॉलिज्म में, ठीक है। तो उसको आप समझो कि वो कफ है बढ़ रहा। अब क्या है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ने वाली चीज, शरीर को ह्रास करने वाली, कम करने वाली चीज, वो क्या होगा आपका, बात हो गया ना, बात की तरफ चला गया ना, बात एक चीज आ गई ना, उसको कम कर रहा है। तो तीसरा जो है, हाँ जी, अब ये तो ये अधिक की सराहनीय होने से बॉडी अपने अपने भी जो मेन धातु उसको स्वयं को पचाने लग जाती है ना। हाँ जी, ये आप इसको बोल रहे हो सर, जैसे कि की सराहनीय से बॉडी में जो मेन धातु होता है उसको पचाने जाती है अग्नि। मैं समझ नहीं पा रहा ईशुकांत जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए फिर बोलिए। चलो आप लिख के मेरे को भेज देना अलग से, मैं आपका वो क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ऐसे कर लूंगा। मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज देना आप क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये बात कर रहा था मैं, बात करता हूँ तो पित्त क्या है, पित्त जो है जितने एनर्जेटिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म, मतलब उसको तोड़ने में जो हेल्प कर रहा है, सहायक काम कर रहा है वो पित्त अग्नि, वही बात आ गई, अग्नि काम कर रही है जो एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रही है, वो अग्नि मेंटेन कर रही है ना। एक मिनट, हाँ तो आज मैं यहाँ तक बस सारी चीज और करेंगे आज। तो ये बात, तो इन तीनों चीजों को जो मेंटेन करते हैं हम, एनाबॉलिज्म,
कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो सारा कुछ जो है किसके ऊपर जा रहा है, सारा धर्मदार तीनों चीजों के ऊपर है, जिसको भी हम कहते हैं जो कि मेटाबॉलिक शरीर का जो इन चीजों को एक बैलेंस में जो रख रहा है वो बेसल, कईयों का बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको कहते हैं, ठीक है। यही सारी डिजीजेस को करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, जितनी भी अंदर निज रोग जो करने वाला है ये है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंग्लिश मॉडर्न साइंस के साथ, लेकिन हम अपने मूलभूत सिद्धांतों आयुर्वेद के ऊपर ही दोबारा से आएंगे कि वात पित्त काफ ये तीन जो है अगर ये साम्यावस्था में है तो रोगों को नहीं करेंगे, अगर ये थोड़ा सा हिल जाएंगे तो ये रोगों को क्रिएट, ठीक है। तो चलो बात अभी चल रही है अग्नि मंडे, ठीक है। अगला कारण क्या है, भोजन के बीच में जल पीने का अभ्यास, ये मैंने आपको बता दिया था। बासी भोजन करना, बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तथा मल मूत्र आदि वेगों को रोकना, वेगों को भी नहीं रोकना, क्योंकि अगर हम वेगों को रोकेंगे उससे फिर क्या होगा, हमारे जो दोष है वो फिर से प्रकोपित हो जाएंगे, ठीक है ना। वो दोष प्रकोपित होंगे वो सीधा अटैक किसके ऊपर करेंगे, जठर अग्नि के ऊपर अटैक करेंगे, ऐसे होता। कारणों से वात आदि दोषों का प्रकोप होता है, फिर उनमें से कोई दोष जठर अग्नि को मंद कर देता है, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है। तो बाकी का हम कल करते हैं पंडित जी, नहीं परसों जी, बिल्कुल, ठीक है जी सर, बिल्कुल। पंडित जी कहाँ चले गए, पंडित जी कहाँ चले गए, सुन नहीं रहे। हाँ जी लखा भाई, क्या हाल है, ठीक हो? हेलो, बढ़िया है सर, बढ़िया है, प्रणाम सर। हेलो, प्रणाम जी। हेलो, हाँ जी शुभान जी। हेलो जी, अभी कल हम पढ़ेंगे, कल जी जी बोलो, अशोक जी बोलो, अब हम किताब को साइड पे रखते हैं, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या पूछना चाहते हो, कुछ पांच को मिनट लगा लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि तीक्ष्ण अग्नि में लोगों को काफी अच्छा पाचन होता है, बट काफी लोगों का देखा है कि पित्त बढ़ा हुआ रहता है, फिर भी उनको गैस्ट्रिक गैस का इश्यू रहता है और इंडाइजेशन रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, मैं इसका आंसर ये है कि जो आप बात कर रहे हो ना वो पैथोलॉजी की बात कर रहे हो, पैथोलॉजी यानी कि उसको कोई डिजीज हो गई है, उसको रोग हो गया है ना। तो जो मैंने तीक्ष्ण अग्नि की बात करी थी वो स्वभाव की बात करी थी कि तीक्ष्ण अग्नि कईयों के स्वभाव से होती है, ठीक है ना। तो ये जो आप बता रहे हो रोग है जिसमें क्या होता है कि पित्त के बढ़ जाने से उसको खट्टे डकार जलन वगैरह जो है ये हो जाती है, उसकी अग्नि यहाँ पे मंद पड़ रही है पित्त के कारण, जिसको कि पित्तज अग्नि मानते कह रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको तीक्ष्ण अग्नि नहीं कहेंगे, इसको पित्तज अग्नि मानते कहेंगे। ओके सर, आप आगे कवर करेंगे ना सर इसे? हाँ, इसे आगे कवर करेंगे, आएगा उसके अंदर। थैंक यू, ओके, थैंक यू पंडित जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। आज का क्लास, और कोई पूछना चाहता है दो चार मिनट और कोई क्वेश्चन पूछ ले। ये इशुकांत जी का क्वेश्चन, इशुकांत जी की आवाज नहीं आ रही, आप मेरे को रिटर्न में लिख के भेज देना क्या पूछना चाहते हो। आचार्य जी, सर जी, विदग्ध पित्त को वायु से अलग करने के लिए क्या करना होगा? किस चीज को? विदग्ध पित्त को सर। कौन सा पित्त? विदग्ध पित्त, विदग्ध, विदग्ध पित्त जी सर। विदग्ध पित्त को वायु से आपने पृथक करना है? जी जी जी, वायु तो पृथक होगा ही नहीं, मैंने अभी आपको बताया वायु जो है वो योगवाही है जी। अगर विदग्ध जीर्ण हो रहा है उसमें भी वायु साथ में चल रहा है, ठीक है। पृथक कैसे करेंगे, ठीक है जगत प्रसाद जी। जगत प्रसाद जी, जी सर,
विदग्धा जीर्ण में डोमिनेटिंग जो है वो पित्त ही है, लेकिन इस पित्त को इधर उधर ले जाने वाला काम कर रहा है योगवाही है ना, वातज वात योग वायु योगवाही है उसमें। और कुछ पूछना है? नहीं, वो शायद वो उसके लिए इलाज के लिए कुछ बोल रहे, विदग्धा जीर्ण के इलाज में वो हम जो ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, अभी ट्रीटमेंट की बात करें तो विदग्धा जीर्ण हम अमल पित्त जैसे है जैसे ट्रीट करते हैं वैसे विदग्धा जीर्ण को ट्रीट करेंगे। उसमें हम जो है शीत गुण प्रधान जो औषधियां हैं द्रव्य जो है वो देंगे, शीत वीर्य द्रव्य देंगे, ठीक है ना। उसकी बाद में मैं बता सकता हूँ, जैसे अभी पत्तिकर चूर्ण है या कामदूदा रस है, जो शीत वीर्य औषधियां जो है वो देंगे ताकि उसका जो है वो विदग्ध जीर्ण जो पित्त है वो शांत हो जाए, ठीक है। विदग्ध जो विदग्ध अवस्था का जो पित्त है वो विदग्ध होने पर पित्त का दो रूप है। हाँ जी, कम अवस्था में होता है तो कटु होता है, जब विदग्ध होता है तो अम्ल होता है वो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, अम्ल होता है। तो अम्ल अवस्था में आयु पित्त का मतलब है वो विदग्ध हो गया। विदग्ध होने का मतलब है कि उस पित्त के अंदर रुक्षता तो है पर उसमें स्निग्धता नहीं है। विदग्धता होने का मतलब क्या है, उसमें एक पित्त में तीन दो गुण होता है स्पेसिफिक, एक है उसमें स्निग्धता यानी चिकनाहट युक्त होता है क्योंकि जल अग्नि महाभूत वाला है पित्त, तो जहां जल नहीं है सिर्फ अग्नि है वो फिर विदग्धता हो गया। जल युक्त कभी विदग्धता नहीं होता, तो वो जो है वो फिर कटु गुण वाला होता है, कटु रस वाला होता है। तो विदग्धता में क्या है कि उसमें एक अग्नि जो तीक्ष्ण हो रखा है उसको मंद करना है, उसमें जलियान से भर देना है बस। जी 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 बिल्कुल ठीक। तो तीक्ष्ण क्या है, निशोथ है उसमें अभिपत्ति कर में। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि उस पित्त को क्या करता है, उस आम को, क्योंकि पित्त के अंदर आम आ गया ना। हाँ हाँ हाँ, आम आ गया तो उस आम को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, उसको डाइजेस्ट भी करेगा। निशोथ के ये गुण है कि वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट भी करेगा और सारा गुण होने की वजह से वो मलों के माध्यम से बाहर में निकाल देगा। बिल्कुल, जो अग्नियुक्त जो पित्त है वो जैसे ही बाहर आ जाएगा और वहां पर मुलेठी वगैरह भी अगर हम रोगी को देते हैं तो फिर जलियांश वाला गुण भी उसमें आ जाता है, शीत गुण भी आ जाता है। वही है, अब जो काढ़ा है आप चंदन आदि कषाय हो गया ऐसे कुछ चीजें अगर आप देते हो सूत शेखर कामदूदा के साथ में तो वो क्या करता है, वो जलियांश बढ़ा देता है। पंडित जी हाँ, इसमें जो औषधि आपने कहा ना विदग्ध जीर्ण, ये अजीर्ण है, ठीक है ना। तो विदग्ध जीर्ण है तो इसमें कहीं ना कहीं हमको उसको अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए ही जो औषधि चाहिए कि भी, जैसे आपने बताया निशोथ जो है वो चाहिए है। एक तरफ से हम उसको अग्नि को बढ़ाने वाली भी देंगे और पित्त को शांत करने वाली साथ में देंगे, दोनों बातें आप जो बात कर रहे हो। मतलब कि पित्त को बढ़ाने का मतलब है कि जो जल महाभूत है उसको बढ़ाना है हमें, उसको बढ़ाना है। पित्त में जो रुक्ष गुण है उसको कम करना है, तो निशोथ जो है उसको कम करेगा और स्निग्धता भर देगा उसमें, निग्धता बढ़ाएगा। ये जो अंशान से कल्पना जो होता है ना आयुर्वेद में, ये बहुत अच्छी चीज है और इसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी इसमें एक औषधि धात्री लौ करके आता है, क्या इसमें जोड़ा जा सकता है? धात्री लौ विदग्ध जीर्ण के लिए? जी सर। किसके लिए कह रहे हो आप? सर विदग्ध पित्त के लिए, विदग्ध जीर्ण के लिए। हाँ, धात्री जो है वो उसको शीत है डाल सकते हैं साथ में। जी, ये जो धात्री लोग जो होता है वो जो है रक्त धातु में स्थित अपक्व जो तो, जो पित्त है उसको क्या करेगा, उसको वो सम अवस्था में ले आएगा। चलो, धात्री लो अनीमिया में भी साथ में ऐसे दे सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पे जो है धात्री लो दिया जा सकता है विदग्ध जीर्ण में, क्योंकि वो उसका मूल स्वभाव शीत वीर्य भी है ना, साथ करेगा, ठीक है। और जी सर, जी जी सर, ओके सर, ठीक है। पंडित जी ठीक है? जी ठीक है जी, नमस्कार जी, ठीक है। कोई नहीं, आप मंडे को? हाँ मंडे, अब कल छुट्टी है मंडे को।